पांचों ज्ञानेन्द्रिय और पांचों कर्मेंद्रिय दसहु भगवत चिंतन में लग जाए। आप कहेंगे कुछ इंद्रियां ऐसी हैं वो भगवान से कैसे जुड़ेंगी, जैसे मलमूत्र की इंद्रियां हैं। लोगों का प्रश्न होता है, आपने बच्चों को जन्म दिया है, यदि उन बच्चों को आप भगवान से जोड़ दें तो बिल्कुल माना जाएगा आपने दसों इंद्रियां परमात्मा से ही जोड़ दी है। आपने ऐसी संतान को जन्म दिया है जो संतान परमात्मा से जुड़ी है। और एक बात मैं आपको कहूं, आपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बनाया, कुछ नहीं बना पाए। और सच तो यह है आपने अपनी संतान को भगवान का भक्त बना दिया तो कुछ बनाने के लिए बकाया ही नहीं बचा। श्री प्रहलाद जी ने कहा था कि कुमार अवस्था से ही जो भगवान के भजन में लग गए हैं, सच यही है वो पूर्व के भजनानंदी ही है। और ये माता पिता का एक बहुत बड़ा उपकार होता है संतान के ऊपर। आपने बच्चों को जन्म दे दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी, बस पंक्षियों के दर्जन दर्जन बच्चे होते हैं, तो कोई बहुत कुछ बड़ा काम नहीं हो गया है। आपने अपने बच्चों को भगवान का बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो उन माता पिता का इतना आदर करता हूं जिनके बच्चे ईश्वर के बनकर के जीवन जी रहे हैं। कौन कहता है कि भगवान का बनकर गए और वह लोग दुनिया के काम के नहीं रहते। ईश्वर के दर्शन करके ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। भगवान के बने हुए युधिष्ठिर बहुत बढ़िया राज्य चलाते हैं, बड़ा अच्छा चलाते हैं। भगवान से, भगवान का बनने का मतलब हम दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सब चीजें छूट जाएं तो समझ लो हम भगवान के बन गए। मैंने आज सुबह की कथा में आपको निवेदन किया, असत्य भाषण करने वाले चरित्रहीन लोगों को, व्यभिचारी लोगों को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। परमात्मा को वो लोग कभी पसंद हो ही नहीं सकते। मुझे भी और आपको भी सबको भगवान से जुड़ करके ही रहना चाहिए। आइए परमात्मा से जुड़ने के लिए कुछ वैष्णवों की बात कही गई है। वैष्णव कौन है? जो विष्णु प्रिया व्रत करता है, एकादशी करता है, वो वैष्णव है। तुलसी जपता है, तुलसी प्रसाद में लेता है, तुलसी कंठ में धारण करता है, वो वैष्णव है। तुलसी घर में लगाता है, तुलसी की पूजा करता है, वह वैष्णव है। नित्य गंगा जी का आचमन करता है, गंगा मृत रोज लेता है, वह वैष्णव है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिनके घर से एक चंदिया एक रोटी गौ मां को निकलती है, वैष्णव है। ब्राह्मण के चरण में जिसकी श्रद्धा है, ब्राह्मण को परमात्मा की तरह पूजता है, मानता है, भले वो खुद ब्राह्मण क्यों नहीं है तो भी वह ब्राह्मण को माने, वह वैष्णव है।